हेलो दोस्तों, एआर नॉलेज हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस सदी के एक महान क्रांतिकारी आदमी एलन मस्क की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एलन मस्क का जन्म आज से 46 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। एलन मस्क के पिताजी एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी माँ का नाम मई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। किताबें पढ़ने का उनका इतना शौक था कि साल भर में स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें पढ़ डाली थी और नई किताबें आने का इंतजार करते थे। किताबें पढ़ने तथा किताबों से ज्ञान हासिल करने के इस जुनून के चलते 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर चलाने तथा सीखने के प्रति बहुत रुचि हुई, जिसके चलते किताब पढ़कर 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दी। यहीं से एलन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। एलन मस्क 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर ZIP2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पेक नाम की एक दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद एलन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलन मस्क ने अपने पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर PayPal रखा गया और एलन मस्क को PayPal के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में PayPal को eBay द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क ट्रेडपिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की थी। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोस्टर स्पोर्ट्स कार थी। पेपल के बाद मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी SpaceX की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास विफल रहे। 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फाल्कन 1 अंततः ऑर्बिट में पहुंचा। नासा इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर SpaceX के साथ समझौता किया। अब एलन मस्क की कुल संपत्ति $9,370 करोड़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।